बॉबी जहां एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबर। कैटरीना कैफ ने वरुण धवन की स्ट्रीट डांसर 3D में काम करने से किया था मना। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D की तैयारियों में बिजी है। फिल्म के पोस्टर को ही देख कर लोगों के अंदर फिल्म के लिए एक्साइटमेंट देखते ही बन रही है। मगर क्या आपको पता है कि श्रद्धा कपूर से पहले ये रोल कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था, जिसके लिए उन्होंने हामी नहीं भरी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉल करके वरुण धवन से इसकी वजह भी बताई थी। अगर सब कुछ सही रहता तो पहली बार कैटरीना कैफ और वरुण धवन की जोड़ी स्क्रीन पर दिखाई देती, मगर ऐसा नहीं हो पाया। मीट डे को दिए एक इंटरव्यू में वरुण ने बताया, मेरे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि कैटरीना के साथ काम करूं, मगर चीजें सही नहीं बैठी, उनके और हमारे फिल्म के डेट्स मैच नहीं हो पा रहे थे। ये शो बना इस हफ्ते छोटे पर्दे का बादशाह कपिल शर्मा शो को भी मिला उछाल। देखिए टीआरपी की पूरी लिस्ट। छोटे पर्दे पर टीआरपी रेंटिंग के बाद मामले में इस बार भी बड़े सरप्राइज मिले हैं। हर बार की तरह से इस बार भी टीआरपी की रेस में कोई भी शो आगे पीछे रहे तो कुछ इस रेस से बाहर भी हो गए हैं। खतरों के खिलाड़ी के अलविदा कहने के बाद से एक नंबर की रेस में हर कोई शो है। हर हफ्ते अब कोई नया शो इस पर पहुंच रहा है। इस बार की बात करें तो नागिन 3 को एक बड़ा फायदा मिला है, जबकि कपिल शर्मा भी एक स्थान के उछाल लेने में कामयाब हुए। शादी से पहले लिव इन रहना चाहते हैं रणवीर आलिया, सजा रहे हैं सपनों का आशियाना। कलंक के रिलीज होते ही आलिया भट्ट को उनके बॉयफ्रेंड रणवीर कपूर के साथ एक इंटीरियर डिजाइनर ऑफिस में देखा गया। इसकी तस्वीर और वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कपल अपने आशियानों को अपने मन मुताबिक सजा कर लिव इन में रहने की प्लानिंग कर रहा है। रणवीर इससे पहले अपनी दोनों एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के साथ भी लिव इन में रह चुके हैं। लंबे समय से आलिया और रणवीर की जल्द ही शादी की खबरें आ रही है। शूटिंग शुरू होने से पहले ही लीक हुई इंशा अल्लाह की कहानी, ऐसे होगा आलिया और सलमान का फिल्म में रोल। सलमान खान और आलिया भट्ट को लेकर फिल्म इंशा अल्लाह बनाने की घोषणा संजय लीला भंसाली कर चुके हैं। जब से फैंस को पता चला है कि इसमें सलमान के साथ आलिया रोमांस करती नजर आने वाली है, सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस जोड़ी को पहली बार पर्दे पर देखने को उत्सुक है तो कोई दोनों के बीच एज गैप को लेकर परेशान। उनका कहना है कि सलमान और आलिया के बीच उम्र का फासला सही नहीं लगेगा। फिल्म को लेकर तमाम तरह की खबरों के बीच अब कहा जा रहा है कि फिल्म फ्लोर पर जाने से पहले ही इसकी कहानी लीक हो गई है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।